जय माता दी। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नवरात्रि के मौके पर हमारी इस खास पेशकश में, और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। वैसे तो पूरे साल भर में चार बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें से दो नवरात्रि गुप्त माने गए हैं, लेकिन इन चारों नवरात्रि में से शारदीय नवरात्रि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शारदीय नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले किसने देवी माँ की 9 दिन तक आराधना की थी। शारदीय नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, यानी शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रि, अश्विन माह की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन तक चलने वाले इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और अगले दिन असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाता है। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुजरात में ये पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस मौके पर वहाँ के लोक नृत्य डांडिया और गरबा का आयोजन भी किया जाता है। ये तो बात हुई देश में पर्व मनाने की, लेकिन अगर हम बात करें पौराणिक काल में नवरात्रि की, तो इसको लेकर हिंदू धर्म में कहा गया है कि सबसे पहले नवरात्रि की पूजा भगवान श्री राम ने की थी। जब रावण ने माता सीता को लंका में कैद कर लिया था, तो लंका पहुंचने के लिए श्री राम ने समुद्र तट पर डेरा डाला और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान राम को सुझाव दिया कि वे माँ दुर्गा की उपासना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के कहने पर ही भगवान राम ने 9 दिन तक देवी माँ की उपासना कर उनसे लंका और लंकापति रावण पर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके 10वें दिन भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की। तभी से नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हो गई और पौराणिक काल से ही स्त्रियों को पूजनीय मानने वाला हिंदू धर्म नवरात्रि का पर्व मनाने लगा, जो परंपरा आज भी कायम है। नवरात्रि के दौरान देश भर में भक्तिमय माहौल रहता है। चारों ओर देवी माँ के भक्त माँ की उपासना करते नजर आते हैं। नवरात्रों का पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो भक्त देवी माँ के 9 दिन के व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। इस सब को लेकर तैयारियां भी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पहले की जाने वाली पूजा के साथ घट स्थापना कैसे करें और इसका क्या महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन भक्त देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, लेकिन जो भक्त 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते, वे पहले और 8वें दिन निराहार रहकर व्रत रखते हैं। देवी माँ की आराधना और व्रत का सिलसिला तो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होता है, लेकिन माँ के भक्त नवरात्रि की तैयारियाँ कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। कई भक्त जो 9 दिन निराहार नहीं रह सकते, वे व्रत न रख कर भी अपने घर में देवी माँ के नाम की अखंड ज्योति जला सकते हैं और जौ बोकर घट स्थापना भी कर सकते हैं। वैसे तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन उससे पहले देवी माँ की पूजा की तैयारियाँ पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि देवी की आराधना करते समय आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो भक्त देवी माँ के नाम का कलश स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें पहले कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए पहले मिट्टी, चांदी या तांबे का कलश लें और उसे धोकर जल और गंगा जल से भरें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलश के गले पर मौली बांधें। कलश में सुपारी, फूल, सिक्का, इत्र, पंचरत्न और दूर्वा डालें। कलश के मुँह पर आम के पत्ते रखें और ध्यान रहे कि पत्ते कलश से थोड़ा बाहर निकले रहे। अब मिट्टी के पात्र से कलश को ढक दें। उसके बाद कलश के ऊपर लाल कपड़े को मौली से बांधकर नारियल रखें। अब कलश को जौ बोने वाले पात्र में मिट्टी के बीच रखें और चारों ओर जौ बो दें। अब आह्वान करें कि 9 दिन के लिए समस्त देवी देवता इस कलश में विराजमान हो। इसके बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें और चौकी पर अक्षत आदि रखकर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। जो भक्त देवी माँ की 9 दिन तक ज्योति जलाना चाहते हैं, वे शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं। शुद्ध घी अगर उपलब्ध न हो, तो तिल के तेल की भी अखंड ज्योति जलाई जा सकती है।
जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि 9 दिन तक स्थापित किए जाने वाले इस कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, जिससे आपको पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इसके लिए अगर आप 9 दिन तक व्रत ना भी रख पाए तो अपने घरों में कलश स्थापना कर सकते हैं। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ बिन संसारी, अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरना ते वारी, हारी पड़ लो आता संकट निवारी। नवरात्रि में 9 दिन देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें ताकि आप पर देवी मां की कृपा दृष्टि बनी रहे। नौ दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने वाले भक्तों पर देवी माँ की कृपा दृष्टि होती है और देवी माँ भक्तों के सारे दुख दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि में 9 दिन क्रमशः पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, छठवे दिन कात्यायनी, सातवे दिन कालरात्रि, आठवे दिन महागौरी और नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन देवी माँ के अलग स्वरूप की पूजा करने के लिए अलग पूजा विधि बताई गई है। पहले दिन भी माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए हमें विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करने के लिए जहाँ आपने देवी की चौकी और कलश स्थापना की है, वहाँ पर लाल रंग का आसन डालें और देवी की मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ें। इसके बाद देवी माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करते समय देवी माँ का ध्यान करें। देवी माँ को भोग प्रसाद और इस मंत्र का जाप करें, ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना जरूरी होता है। इसके बाद देवी माँ की आरती करें और देवी माँ से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगे। आरती उतारु तेरी शैल पुत्री माता, आरती उतारु तेरी शैल पुत्री माता, प्रथम तुम्हें पूज के मनाऊं नवराता। धर्म में स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना गया है और 9 दिन तक मनाया जाने वाला नवरात्रि का ये पर्व भी पौराणिक काल से ही चली आ रही इस मान्यता को कायम रखता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सामाजिक रूप से हम सब इस जिम्मेदारी का वहन करें, क्योंकि संपूर्ण समाज का सृजन स्त्रियों के बिना नहीं हो सकता। तो इस नवरात्रि आपको दिखाते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक रूप के साथ साथ सामाजिक महत्व क्या है। पौराणिक काल से ही स्त्रियों को पूजनीय माना गया है। किसी भी काल में अगर हम देखें तो महिलाओं को किसी भी दर्जे से कम नहीं आंका गया। भगवान शिव के साथ जब भी देवी पार्वती की बात की जाती है तो ये बताने के लिए काफी है कि स्वयं भगवान ने भी स्त्रियों को सम्माननीय और पूजनीय कहा है। तभी तो भगवान शिव का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर है। ये स्वरूप दर्शाता है कि भगवान शिव की भी संपूर्णता देवी पार्वती के बिना अधूरी है। नवरात्रि का पर्व एक और जहां हमें ये संदेश देता है कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान हमें कई परेशानियों से बचाते हैं, तो दूसरी ओर ये सामाजिक संदेश भी देता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को किसी भी तरह से उपेक्षित या अपमानित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पौराणिक काल में देवताओं ने भी देवी पार्वती की आराधना की थी, सभी के लिए वे पूजनीय है। जब देवताओं ने स्त्रियों को इतना सम्मान दिया और उनकी पूजा की है, तो हमें भी आज के समय में उस देवी स्वरूप महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो इस नवरात्रि देवी माँ की पूजा आप कर पाए या न कर पाए,
पाए, लेकिन स्त्रियों को सम्मान देने का संकल्प तो ले ही सकते हैं और यही होगी देवी माँ की असली पूजा। दर्शकों, नवरात्रि के इस पावन पर्व की शुरुआत पर आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। आए नराते माता के।